नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्र आज 20वें करगिल विजय दिवस पर सशस्त्र सेनाओं के पराक्रम का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने करगिल युद्ध शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। थल सेना प्रमुख ने साफ संदेश दिया, अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ छद्म युद्ध नहीं रोकता तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई फिर होगी। बीएस येडियुरप्पा आज शाम कर्नाटका के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ईरान ने संयुक्त अरब अमारात के जब्त पोत रिया पर सवार 12 में से 9 भारतीयों को रिहा किया। और बी साई प्रणीत जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचे। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। करगिल विजय के 20 वर्ष पूरे होने पर आज देश भर में विभिन्न समारोहों का आयोजन किया गया है। 1999 में करगिल की पहाड़ियों को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराने के अभियान को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। करगिल युद्ध 60 दिन से अधिक समय तक चला। इस वर्ष समारोहों का विषय है नवचेतना, नवहर्ष और नवनिर्माण। सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज श्रीनगर में बादामी बाग में थल सेना के कोर मुख्यालय में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति का द्रास में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का पहले निर्धारित कार्यक्रम खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने करगिल विजय दिवस पर देश की सुरक्षा में बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। श्री नायडू ने ट्वीट संदेश में करगिल युद्ध और ऑपरेशन विजय के सभी सैनिकों को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि की रक्षा करते हुए भारतीय सेना के शहीद हुए बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन हमें अपने सैनिकों के साहस, वीरता और समर्पण की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर अपने करगिल दौरे के कुछ चित्र भी साझा किए हैं और सैनिकों के साथ अपनी बातचीत को अविस्मरणीय बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में भी रक्षा मंत्री ने शहीदों को नमन किया। हम सभी देशवासियों को अपने देश के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर पूरा यकीन है। क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस है तो मैं उन सारे जवानों को जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए इस भारत को विजय दिलाई है उनकी स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। पहली बार एक साथ तीनों सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ ने द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर ऑपरेशन विजय के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ ने 8वीं माउंटेन डिवीजन के स्मृति में सैन्य डाक टिकट भी जारी किया। करगिल विजय दिवस समारोह दिल्ली में इस महीने की 14 तारीख से शुरू हो गए थे। विजय मशाल 11 शहरों से गुजरते हुए द्रास में करगिल युद्ध स्मारक तक पहुंची, जहां इसे अमर जवान ज्योति में समाहित किया गया। मुख्य समारोह कल से शुरू हो गए हैं और 3 दिन तक चलेंगे। स्मृति समारोह नई दिल्ली में मानेक शाह केन्द्र पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें युद्ध वीरों और सेना के सेवारत अधिकारियों के साथ विचार विमर्श का आयोजन होगा। इसके बाद कल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में करगिल विजय दिवस संध्या का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 2015 में आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 10वीं कड़ी में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पराक्रम और गौरव का उल्लेख किया था। उन्होंने जान की परवाह न करके दुश्मन के प्रयासों को विफल करने वाले शूर वीरों को नमन किया था। करगिल का युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा गया, ये युद्ध उन माताओं और बहनों ने लड़ा जिनका जवान बेटा या भाई करगिल में दुश्मनों से लड़ रहा था, उन बेटियों ने लड़ा जिनके हाथों से अभी पीहर की मेहंदी नहीं उतरी थी, पिता ने लड़ा जो अपने जवान बेटों को देखकर खुद को जवान महसूस करता था। इनके बलिदान के कारण ही आज भारत दुनिया में सर उठाकर बात कर पाता है। कारगिल विजय दिवस पर इन सभी हमारे सेनानियों को मेरा शत शत प्रणाम। राज्यसभा में भी आज करगिल युद्ध के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन में बहादुर जवानों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया।
संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने करगिल विजय दिवस के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किया है। प्रदर्शनी का शीर्षक है शौर्य और विजय स्मारक। इसमें भारत में लड़े गए युद्धों की कहानियों का चित्रण किया गया है। इस प्रदर्शनी में स्वाधीनता संग्राम को भी दर्शाया गया है। लद्दाख के द्रास में करगिल विजय दिवस ऊर्जा और उल्लास से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। ...2019 की शुरुआत से ही देश भर में और विशेष रूप से लद्दाख क्षेत्र में सेना द्वारा कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य शहीदों की वीरता और बलिदानों को याद करना, कठिन परिस्थितियों में विजय के लिए प्रेरित करना और देश की रक्षा और तिरंगे की सम्मान के संकल्प को नवीनीकृत करना है। देश ने अतीत से सबक सीखा है और भविष्य में दुश्मन के किसी भी दुस्साहस के लिए हर तरह से तैयार है। सहयोगी अनायत के साथ द्रास से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रमेश चंद्रा। करगिल विजय दिवस पर हमारे जम्मू संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट। करगिल विजय दिवस हर वर्ष आज के दिन मनाया जाता है। आकाशवाणी जम्मू ने सेना के कुछ जवानों से बात की जिन्होंने करगिल युद्ध में हिस्सा लिया। जैक राइफल्स के जगदीश राज का कहना है कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि वो उस यूनिट का एक हिस्सा रहे जिसने करगिल युद्ध में भाग लेकर पाकिस्तानी घुसपैठियों को वापस खदेड़ने में सफलता प्राप्त करना। हमें अगर दो दिन का टाइम मिलता तो शायद हम पाकिस्तान के अंदर ही घुस जाते। ये हमने बहुत फतह हासिल की है, बहुत जोर से किया, और हमारा कमांडिंग कमांडर मेजर अजय जसोटिया साहब था वो वहां पर शहीद हो गए थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत अपना जुम्मी मुझी से काम किया। पैरा कमांडो राज सिंह का कहना है कि भारतीय सेना ने युद्ध में मारे गए पाकिस्तानी सेना के जवानों का अंतिम संस्कार तक किया जब पाकिस्तानी सेना ने उनके मृत्यु शरीर को वापस लेने से इनकार किया। सवेरे हम तोलोलिंग में पहुंचे, जैसे थोड़ी थोड़ी लाइट हुई एक दो बंदे हमारे को हरकत करते हुए दिखाई दी, हमने पोजीशन ले ली। उन्होंने देख लिया तो पाकिस्तान की तरफ से हार्ड शेलिंग वगैरह हमारे इलाके में पड़ी, उनके चार बंदों को हमने उसी टाइम मार दिया। उनके जो रेगुलर आर्मी थी हमारे फौजियों के द्वारा जो मारी गई, हमने उनको भी पूरी सल्यूट के साथ उनको दफनाया वहाँ। युद्ध में शहीद हुए जवानों के कुछ परिवार वालों ने आकाशवाणी को बताया कि उनको इस बात पर गर्व है कि उनके अपनों ने देश की रक्षा के लिए अपनी जानें निछावर कर दी। मेरा नाम कंचन है, मैं श्री हवालदार रविंदर सिंह की पत्नी हूँ। ऊपर से ऑर्डर आया कि कारगिल में युद्ध छिड़ गया है तो इनको बुलाया गया। इन्होंने मुझे लेटर लिखा था कि आप बच्चों को लेकर तैयार रहना, मैं आपको दिल्ली में ले जाऊंगा। मैं इनके लेटर का इंतजार करती रही, इनका लेटर नहीं आया और लेटर के बदले ये पूरे दो महीने के बाद इनकी डेड बॉडी आ गई। अपनी ओर देखो तो थोड़ा दुख भी होता है, लेकिन देश की ओर देखे तो हमें फख्र होता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आरके रहना। करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। इस युद्ध में हिमाचल प्रदेश से ही 52 जवान शहीद हुए थे। इस युद्ध में अदम्य साहस और वीरता के लिए भारतीय सेना के अधिकारी कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर निवासी कैप्टन विक्रम बत्रा के पिताजी एल बत्रा ने आकाशवाणी को बताया, मेरे बेटे कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए हैं और भारत सरकार की ओर से उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। ये जो 20वां विजय दिवस मनाया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि देश के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं वो एक नया इतिहास बनता चला जाए। अपने देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए अपनी शहादत दी है, उन शहीदों को स्मरण करना भी हमारा कर्तव्य है। अरुणाचल प्रदेश, कोलकाता, गोवा सहित अन्य राज्यों से भी करगिल विजय दिवस मनाने के समाचार मिल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि राजनीतिक स्तर पर और भारतीय सेना के इरादों तथा तौर तरीकों में परिवर्तन से पाकिस्तान को कड़ा संदेश गया है। द्रास में आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में थल सेना प्रमुख ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ छद्म युद्ध का समर्थन जारी रखेगा तो सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई कार्रवाई फिर की जाएगी।
वी हैव नॉट हेजिटेटेड इन क्रॉसिंग दी लाइन ऑफ कंट्रोल। हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नियंत्रण रेखा पार करने में कोई संकोच नहीं किया। हमें हवाई ताकत का इस्तेमाल करने में भी कोई हिचक नहीं हुई। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ छद्म युद्ध का समर्थन जारी रखेगा तो इस तरह की कार्रवाई फिर की जाएगी। दीज काइंड ऑफ एक्शन विल बी रिपीटेड। जनरल रावत ने कहा कि सरकार को एकीकृत युद्ध समूह अवधारणा का प्रस्ताव देने का समय आ गया है। चीन के साथ संबंधों का जिक्र करते हुए जनरल रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच वुहान में हुई बैठक के बाद चीन की सेना को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। कर्नाटका में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीएस येडियुरप्पा आज शाम राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बेंगलुरु में राज्यपाल से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से विचार विमर्श के बाद वे मंत्रिमंडल के गठन के बारे में फैसला करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि 15वीं विधानसभा में वे विपक्ष के नेता हैं, इसलिए विधायक दल की बैठक बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वे शपथ ग्रहण समारोह के लिए निवर्तमान मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारामैया को निमंत्रण भेजेंगे। कल ऐसा कहा गया था कि पार्टी संसदीय बोर्ड से मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है और राज्य के कुछ वरिष्ठ नेता दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं से मिलने गए हैं, पर अचानक येदियुरप्पा ने घोषणा की कि वे आज कर्नाटक के नए मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बेंगलुरु से आर मूर्ति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने इस महीने के आरंभ में पकड़े गए एमटी रिया जहाज पर सवार 12 भारतीयों में से 9 को रिहा कर दिया है। सूत्रों ने बताया है कि 21 भारतीय अब भी ईरान के हिरासत में हैं। इनमें से 3 इस जहाज पर सवार थे, जबकि 18 भारतीय नागरिक ब्रिटेन के ऑयल टैंकर स्टेना एम्पेरो पर सवार थे। ईरानी सैनिकों ने होमरूज जलडमरू मध्य में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के कथित उल्लंघन के आरोप में पिछले सप्ताह स्टेना एम्पेरो को कब्जे में ले लिया था। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कल शाम बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने ऑयल टैंकर पर सवार 18 भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इससे पहले लंदन में भारतीय उच्चायोग के एक दल ने ब्रिटेन के कब्जे में लिए गए ईरानी पोत पर सवार भारतीय चालक दल के 24 सदस्यों से मुलाकात की थी। ब्रिटेन ने इस महीने के आरंभ में स्पेन तट से इस पोत को जब्त कर लिया था। विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि चालक दल के भारतीय सदस्यों की जल्द रिहाई के लिए हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। बी साई प्रणीत जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया के टॉमी सुगियातो को आसानी से 21-12 21-15 से हरा दिया। पीवी सिंधु सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में अकाने यामागुची से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। 50 मिनट तक चले इस मैच में यामागुची ने सिंधु को 21-18 21-15 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों के सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसे MyGov ओपन फोरम पर भेजा जा सकता है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी कॉल करके प्रधानमंत्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। प्रधानमंत्री आज संसद परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा आयोजित पौधरोपण अभियान में शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ पौधरोपण अभियान में शामिल थे। इस अवसर पर लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 20वें करगिल विजय दिवस पर सशस्त्र सेनाओं के पराक्रम का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने करगिल युद्ध शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। थलसेना प्रमुख ने साफ संदेश दिया, अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ छद्म युद्ध नहीं रोकता तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई फिर होगी।
बीएस येडियुरप्पा आज शाम कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और बी साई प्रणीत जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।